देखिएगा उस ऊपर फूल है, नीचवा स्टारे बना दिए हैं बिल्कुल। पैर पे नहीं बीजेपी लिख सकते, कमल का फूल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। लग गया, दो घंटा लग गया। लग गया, इसका खर्चा कौन देता है? कैंडिडेट दिया, वो तो सबके राज में हुआ है। किसके राज में हुआ है? लालू के साथ, पहले लालू के भी राज में तो पेट्रोल डीजल मांगा तो होबे किया है। आया है कि मुकेश सहनी जो है वो वोट काट दिए हैं बीजेपी का। उसे काट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हमने वीआईपी के समर्थक को दिखाया, अब बीजेपी के भी समर्थक उसी अंदाज में अपने पार्टी के लिए प्रचार करते हुए मुजफ्फरपुर में नजर आ गए। जिस तरीके से सचिन का फैन लगातार किसी भी स्टेडियम में जाकर के उनका प्रचार प्रसार कर रहा था, देखिए लिखे हैं सीने पे मोदी जी, कमल छाप का निशान बना हुआ है ढोनी से लेकर के सीने तक, और नीचवा में स्टार ग्रीन। ये स्टार ग्रीन का मतलब क्या है भैया? बीजेपी का चिन्ह से है ये स्टार वाला, बीजेपी का चिन्ह है ग्रीन पर, वो अलग से लगाया गया, अलग से डिजाइन बन गया है। देखिएगा उस ऊपर फूल है, नीचवा स्टारे बना दिए हैं बिल्कुल, कहीं पाकिस्तान का झंडा ना हो जाए। पैर पे नहीं बीजेपी लिख सकते, कमल का फूल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं इसीलिए। तो ये पूरा डेंटिंग पेंटिंग करने में कितना टाइम लग गया? लग गया दो घंटा लग गया। लग गया, इसका खर्चा कौन देता है? कैंडिडेट दिया है, कैंडिडेट तैयार करके लाया है ना, अब बस तैयार हो गए कि हाँ भैया मेरा सीना चौड़ा है। कितने इंच का? 36 इंच का। 36 इंच का आपका है? 56 इंच का मोदी जी का, 36 इंच में आप हैं। अच्छा, झंडा भी बीजेपी का। क्या बोला कैंडिडेट कि ऐसा ही चलिए? हम खुद बोले हैं मैम को। मैम को आप खुद बोले हैं? इससे पहले भी हम इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, 8 बार हम इस भेस में हम आ चुके हुए हैं। 8 बार आ चुके हैं जी। अच्छा, इसीलिए फिर आज देखे कि पार्टी का नामांकन है, तो इसी कारण से सोचे कि हम आज बेबी कुमारी के नामांकन में हम इस भेस में जाएंगे। अच्छा, ये पेंटिंग किए हैं तो ये चुनचुना नहीं रहा है? उससे कोई दिक्कत टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप में इतना जोश है कि आप आ गए यहाँ पर? जी जी। ये लीलरा पर आंख का चित्र बनाए हैं त्रिदेव वाला जी, कैसे काम करेगा? सब काम करेगा। बीजेपी का जोश दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है, पटल पे दिख रहा है। सुनने में आया कि बीजेपी ने वोट काट दिया? कुछ नहीं, योगी जी के नाम पे ना। देखे तो यूपी में बना ना कि तो सरकार थे। यूपी में तो सरकार बनना बीजेपी का। सुनने में आया है कि मुकेश सहनी जो है वो वोट काट दिए हैं बीजेपी का। उसे काट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। सहनी समाज तो नाराजे है उससे, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विकास कुमार। कौन से पंचायत से है? बोचहा में आता है? बोचहा में तो हम आते नहीं है। अच्छा, वोटर नहीं है? वोटर तो नहीं है मैम, कुरहनी प्रखंड का है। अच्छा, कुरहनी प्रखंड के? हम कुरहनी प्रखंड के। अच्छा, मगर हम अपने यहाँ तो राजद का बनवा दिए हैं। हाँ, हम तो नहीं बनवाए, अपने यहाँ राजद का बनवा दिए, यहाँ बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं। हम तो नहीं बनवाए, हम तो शुरू से बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं। शुरू से घूम रहे हैं। वोटवा आपका बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? बीजेपी अच्छा काम करता है। अच्छा काम करती है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं देती है, डीजल पेट्रोल आज भी महंगा कर दी है, एलपीजी भी महंगा कर दी है, महंगाई कंट्रोल नहीं करती है। वो तो सबके सरकार में, वो सब बयानबाजी करती है, वो तो सबके राज में हुआ है। किसके राज में हुआ है? लालू के सरकार, लालू के भी राज में तो पेट्रोल डीजल महंगा तो होबे किया है। कहाँ 100 रुपए का पार था जी? बिल्कुल पार था। कहाँ पेट्रोल डीजल 100 रुपए का पार था? और उसके बाद में भी आलू का भी रेट महंगा था, साग सब्जी का। बहुत सोशल मीडिया पर सब लिखता है कि बीजेपी का अपंध भक्त है, तो वही तो नहीं मिल गए? ऐसा कोई बात, मोदी जी में आस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, लगता है बेबी देवी यहाँ से बेहतर प्रत्याशी हैं। बनेंगे है? बनेंगे। रमई राम जी की बिटिया क्या करेंगी, किसका वोट काटेंगे, आरजेडी का कि आपका? किसी का काट के क्या करेगा, मेरा तो बीजेपी बनेगा, बस बनेगा कह देने से। अब वोटो नहीं देना है, कह भी रहे हैं? कह भी रहे हैं ना, पटना से सिखा कर नहीं ना भेजा है? नहीं नहीं, पटना से हमको का ही सिखाया नहीं सिखाया ना। ये यहाँ के सांसद जी सिखाए हैं? कोई नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाया, बस अपने मन बोल रहे हैं, बस अपने मन। बताइए, अभी आपकी प्रत्याशी अंदर गई है नामांकन के लिए, और ये बाहर बैठ के देखिए, ठीक गेट के साथ, ये समरहालय मुजफ्फरपुर का है, ठीक गेट के सामने बैठ करके बेचारे अपने प्रत्याशी जी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए कि ये जिंदाबाद का नारा लगाए। केवल जिंदाबाद ना जी, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हालांकि अभी चुनावी मौसम चल रहा है, और ऐसे ऐसे हर एक प्रत्याशी के पीछे झंडा ढोने वाले जरूर मिल जाएंगे। हमारे अभिभावक जो हैं, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है
पहले के क्रम को आप एक बार जरा देख लीजिए, आप अपने जुनून को देख लीजिए, आप भी इसी तरह झंडा ढोते रहे हैं, वही दृश्य है कि जिस अनुपात में विकास होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया है। क्या एक बार फिर से हम झंडा ढोने के क्रम में आ जाएंगे तो विकास होगा, या फिर हम अपने ही प्रत्याशी से जब सवाल पूछने लगेंगे तब विकास होगा? प्रचार प्रसार जिसमें जिस पार्टी में आपकी आस्था है, जिसकी विचारधारा आपसे मेल खाती है, जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल अपने हक के लिए आप खुद पूछना सीख लीजिए, तभी विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल बोचहा की जनता अब यह तय करने वाली है कि वो किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी और कौन पार्टी जो है यहाँ से बेहतर प्रत्याशी इस बार दिया हुआ है। आगे की रणनीति पर हम बात करेंगे और तब बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, पीछे जाम लग गया है। नमस्कार।